फ्रेंड्स वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर्गे पॉइंट। यहाँ पे अगर आप मेरा रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया है, जिनका भी फी पेंडिंग है या जिनकी भी कुछ प्रॉब्लम है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, कल है अंतिम तारीख। और यहाँ पे देखिए क्या नोटिस आया है, सीईटी बीएड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कल तक। पटना सीईटी बीएड की काउंसलिंग के प्रथम चरण के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है, जो आपको मैंने बताया है कि 7 तारीख से ये जारी है। 17 अक्टूबर तक सफल छात्रों द्वारा काउंसलिंग के लिए पंजीयन, प्राथमिकता पर नामांकन के लिए बीएड कॉलेजों का चयन और काउंसलिंग के लिए पंजीयन शुल्क, आंशिक नामांकन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है। इसके बाद 31 अक्टूबर को पहली काउंसलिंग में नामांकित छात्रों की सूची जारी की जाएगी। इसी दिन से छात्र 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आंशिक फीस के रूप में 3,000 रुपये, यानी कि क्या है, इसी दिन से छात्र 31 अक्टूबर तक, यानी कि आपको पहले 3,000 रुपया नहीं जमा करना है, वो मैं कल ही आपको बताई थी, नामांकित रुपये जमा लेकर नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि आप एक सीट अलॉटमेंट करोगे, फाइनल अलॉटमेंट की सूची 3 नवंबर को जारी होगी, आपको नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसी प्रकार दूसरे व तीसरे राउंड में नामांकन होगा, दूसरे और तीसरे राउंड में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया चलेगी। तो जिन लोगों ने पहली बार नामांकन नहीं किया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो वो लोग दूसरे और तीसरे में भी करवा सकते हैं, लेकिन घाटा काफ़ी लोगों के लिए होगा, सीट नहीं बचने वाला है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा है। बिहार बीएड 4 ईयर्स का आप देख ही सकते हैं कि क्या हाल है, तो क्या चेंजेज होगा वो तो कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कृपया कर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और भी कोई भी छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो, और पुराने हैं तो क्या करना है, अरे लाइक करना है, और क्या करोगे। तो चलिए इसी के साथ आप देख रहे हैं, और चलिए मैं वो कुछ समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, काउंसलिंग के लिए पंजीयन शुल्क जो आपको 1,000 था, 750 था, 500 रुपये था, वो पंजीयन शुल्क होता है। आंशिक नामांकन के लिए शुल्क जमा करने के, यानी कि जो कम है ना, आप तो देख रहे हैं कि सरकार जिसके 52 मार्क्स भी है उसका भी ले रही है, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकता, ये काउंसलिंग फी है। इसके बाद जब आपका 21 अक्टूबर को जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, आपने जो जो कॉलेज जिनके मार्क्स कम है, मैं अभी भी कह रही हूँ अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो कुछ बातों को जान लीजिए, तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज में भी ढेर सारा कॉलेज का लिस्ट दे दे, ताकि सीट बचा रहेगा तो आपको उसमें मिल भी जाएगा, वरना 2-3 कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो उसमें मिलेगा भी नहीं। तो इसका अगर आपका कॉलेज लिस्ट में नाम आ जाता है तो 3,000 रुपया आपको क्या लगेगा, सीट बुकिंग करने का वो अमाउंट है, तो जो आप पे करोगे। उसके बाद अगर आपका फी 25,000 होगा तो उसमें से 3,000 डिडक्ट हो जाएंगे, और देन बाकी के 22 है जो आप क्या कर सकते हो, जमा कर सकते हो। तो चलिए, अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको हमेशा अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो, और लास्ट टाइम एक लाइक तो बनता है मेरे लिए।